पाकिस्तान में तिरंगे की चर्चा है, 15 अगस्त की चर्चा है। पाकिस्तान आज अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ वो 14 अगस्त था। पाकिस्तानी कह रहे हैं वो कौन सा मनहूस दिन था जब पाकिस्तान आजाद हुआ, और 15 अगस्त को जरूर ऐसी शुभ घड़ी थी कि 75 साल में हिंदुस्तान की किस्मत चमक गई। अब LOC से सटे कश्मीर के गांव से ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर पाकिस्तान को हिंदुस्तान की किस्मत पर रंज हो रहा है और अपनी बदकिस्मती पर रोना आ रहा है। पाकिस्तानी भी समझ गए हैं कि LOC के दूसरी तरफ कुछ बड़ा हो रहा है और उनकी तरफ से कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। LOC से सटा कश्मीर का आखिरी गांव तिरंगा शान से लहरा रहा है और भारत माता की जयकार से आसमान गूंज रहा है। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। कश्मीरियों के हाथ में तिरंगा झंडा देखकर और भारत माता की जय के नारे सुनकर इस्लामाबाद में बैठे शहबाज शरीफ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई तो कश्मीरियों का आजादी का हक खुद अरादियत का मसला तय हुए बगैर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात किस तरह नॉर्मल हो सकते हैं। एक इंतहाई बदकिरदार और नेश किस्म की रियासत 14 अगस्त को बनी तो ब्लैक डे तो बनता है। जो आवाज उठाते उसे किडनैप करो, सेंसर करो, गोली मार दो, ये चल रहा है। इनके पास खुद की अपने लिए पैसे नहीं है, इन्होंने आजाद जम्मू आजाद कश्मीर में कैसे ये पैसे लगा सकते। कश्मीर में बदलाव की कहानी पाकिस्तान को अपने कानों में पिघले शीशे की तरह महसूस हो रही है। शहबाज कैसे तड़प रहे हैं, पाकिस्तानी फौज कैसे हाथ मल रही है, ये सब देखने से पहले ये देखिए कि खुद पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में ब्लैक डे चल रहा है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, यानी भारत से एक दिन पहले। भारत में तो जश्न की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में 14 अगस्त के बॉयकॉट की तैयारी है। सोशल मीडिया पर खुद पाकिस्तान के लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं। पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी प्रोफाइल पिक पर या तो काला बैनर लगा लिया है या पाकिस्तान के झंडे को ही काला कर दिया है इस नारे के साथ कि 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे नहीं, ब्लैक डे है। ट्विटर पर एक ट्वीट की जा रही है और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है कि 14 अगस्त को ब्लैक डे का नाम दिया जा रहा है। इस पे तो कोई तबसरा करने की जरूरत ही नहीं। देखिए, 14 अगस्त था ही ब्लैक डे, क्योंकि 14 अगस्त को हिंदुस्तान के जिंदा जिस्म को अंग्रेजों ने अपने सहूलतकार मोहम्मद अली जिन्ना के साथ और लियाकत अली खान के साथ और मुस्लिम लीग के साथ मिलके काटा, और वो इसलिए काटे क्योंकि ये जख्मी रहे हिंदुस्तान, और वो जख्मी रखा गया और आज भी हिंदुस्तान के को जख्मी रखा हुआ है, क्योंकि POJK और POGB जो है वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, और ये कब्जा भी अंग्रेजों ने करवाया पाकिस्तानी सहूलतकारों के जरिए। कि 14 अगस्त को पैदा होने वाली जो नाजायज रियासत है उसने एक साल के अंदर अंदर न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर की रियासत पे हमला करके उसके टुकड़े किए, बल्कि अभी साल भी नहीं हुआ था कि बलूचिस्तान पे गन रख के तो इलाके पाकिस्तान के दस्तखत कराए। कश्मीर में तकरीबन 1,00,000 मुसलमान जो है वो ये मरवा चुके हैं। तो ये एक इंतहाई बदकिरदार और नेश किस्म की रियासत 14 अगस्त को बनी तो ब्लैक डे तो बनता है। शहबाज शरीफ या उनकी फौज अपनी आवाम के मिजाज और अपने स्वतंत्रता दिवस की ऐसी बेइज्जती से बेखबर नहीं है। इन्हें सब मालूम है, लेकिन ना तो इन्हें मुल्क की इज्जत प्यारी है ना अपने आवाम की सलामती। तभी तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की फिक्र छोड़कर शहबाज शरीफ कश्मीर के नाम पर अपने खानदान की किस्मत चमकाने की जुगत में लगे हैं। आपने किसी एक तकरीब में फरमाया कि
भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए। कश्मीर का मामला तस्फिया तलब है, तो अगर आप लोगों को दोबारा हुकूमत मिलती है तो फिर भारत के साथ आप किस तरह के रवाबित रखना चाहेंगे? नहीं, कश्मीर के मुंसफाना हल को तलाश किए बगैर कश्मीरियों की जो अजीम कुर्बानियां हैं, यानी 72 साल गुजर गए, हजारों कश्मीरियों माओं बहनों के आंचल फटे, बच्चे शहीद हुए, बुजुर्ग शहीद हुए, कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई, तो कश्मीरियों का आज़ादी का हक खुद अरादियत का मसला तय हुए बगैर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात किस तरह नॉर्मल हो सकते हैं? तो मैंने जो बात की है कि हमने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमें अच्छे हमसाये की तरह रहना चाहिए, लेकिन उसके जो तकाजे हैं, जो इश्यूज, जिस तरह कश्मीर की बात हुई है, पानी का मसला है, इनको हल किए बगैर ये हालात किस तरह नॉर्मल हो सकते हैं? शहबाज शरीफ जिस कश्मीर को आजाद कराने का ख्वाब दिन में देख रहे हैं, वहां के हर हाथ में तिरंगा आ गया है और हर जुबान पर भारत माता की जय है। घाटी में पाकिस्तानी गुर्गों पर नकेल कसते ही महज 4 सालों में कश्मीर की फिजा ही बदल गई। हम छाना बिछाना इंशाल्लाह फौज के साथ तैयार, तो फौज भी हमारी मदद करती है। तो आज हमने 15 अगस्त की तैयारी जो है, रिहर्सल जिसको हम कहेंगे, तो यहाँ पहली बार ये जो है आज प्रोग्राम किया गया। हम बड़े खुश हैं, ये तिरंगा रैली जो है हमने घर घर में तिरंगा लहराया। 15 अगस्त 1947 में ही हिंदुस्तान हमारा आज गुलामों से आज़ाद हुआ है, तो इसकी झंडा तिरंगा लहराने की हमें बड़ी बहुत बड़ी खुशी है। मैं बिल्कुल LC रेंज पर रहता हूँ। ये प्रोग्राम तो पहले हमें बनियार में मिलते थे, अपना घास कटाई छोड़ कर आज आए, ये प्रोग्राम किया, बहुत तगड़ा प्रोग्राम, हमने ये रैली निकाली और ये तिरंगा लहराया। आर्टिकल 370 हटने के सिर्फ 4 सालों में ही कश्मीर का कायाकल्प हो गया। अलगाववादियों और आतंकवादियों की जन्नत बन चुका कश्मीर सिर्फ 4 सालों में स्वर्ग वाली अपनी असल पहचान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज यहाँ हाईवे का नेटवर्क है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रोजगार के मौके, सब कुछ आ रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर 75 सालों में स्वर्ग से नरक में तब्दील हो गया है। न सड़कें बची, न स्कूल कॉलेज बचे, न अस्पताल बचे, और रोजगार के नाम पर सिर्फ जिहाद बचा। अब आप देखें कि वहाँ का बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि हम इंडियन मुस्लिम हैं और प्राउडली इंडियन मुस्लिम है फ्रॉम कश्मीर, तो फिर पाकिस्तानी किस बिहाफ पे कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर हमारा हिस्सा है? कश्मीर तो इसलिए है ना क्योंकि हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया। अच्छा। तो बस हम उसी वजह से कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अगर हम वहाँ पे जाके उनके वसाइल को इस्तेमाल करके उनको ही ज़ोदो कोप करेंगे तो वो तो यही चाहेंगे कि भाई हम तो इंडिया में ही ठीक हैं, वो कम से कम ये चीज़ें तो नहीं करते हमारे साथ। सर अभी भी वो ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमारी छोड़ो, अपनी फिक्र करो, तुम लोगों ने हमारे नाम पे बड़ा पैसा खाया। और सर हमेशा हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हमने कभी आज़ाद कश्मीर की बात क्यों नहीं की? तो कभी हमने जाके ये देखा कि आज़ाद कश्मीर के लोग किस हाल में रह रहे हैं? कभी हमने उनके हक के लिए आवाज़ उठाई? कश्मीरी भी थोड़ा सा अपना किमला दुरुस्त करें ना, उनको वो खुद देखना चाहिए अपने वसाइल को कि वो पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं। जगमगाते जम्मू कश्मीर की तस्वीरें POK के लोगों ने भी देखी हैं, कश्मीर की तरक्की के किस्से भी सुने हैं। ये तस्वीरें और ये किस्से POK के लोगों के जख्मों को और भी हरा कर देते हैं। हमने खेल, 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 हमने खेल,
हम आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कैसे कह सकते हैं? वहाँ के लोग तो कहते हैं कि हम तो आज़ाद हैं ही। हमारी जो गवर्नमेंट है वो ना कि आप उधर जाएं तो उधर के ना होटल्स किसी काम के हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सही नहीं है, रोड सही नहीं है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए। बल्कि अगर हम भी जाते हैं तो हम भी ये चीज़ नोट करते हैं कि यार जैसा होना चाहिए, जैसे कि इंडिया में है तो ऐसा कि यहाँ पे भी होना चाहिए कि रोड्स वगैरह ठीक करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास खुद अपने पास कुछ नहीं है कि वो यानी कि जम्मू आज़ाद कश्मीर में इन्वेस्ट करें। इनके पास खुद के अपने लिए पैसे नहीं है, इन्होंने आज़ाद जम्मू आज़ाद कश्मीर में कैसे ये पैसे लगा सकते हैं, वहाँ पर ये महंगाई कैसे कम कर सकते हैं? हमारे पाकिस्तान में जो इतना पैसा आता है, इतनी एड्स हम लेते हैं, हर जगह पर हम मांगने जाते हैं कटोरे लेकर, वो कहाँ पर जाते हैं? जी वो तो आपको पता है, जैसा कि हम कर्ज़े में डूबे हैं तो हर साल ये सूद की यानी कि शरह बढ़ती है, सूद ऊपर से ऊपर हमें लगाई जा रहा है, तो उसकी वजह से हम जितने यानी हमने लिए उससे ज़्यादा हमें वापस करने पड़ रहे हैं। और इसके अलावा भी आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए कि उनके लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो उनको देनी चाहिए। ये तस्वीरें POK के उत्तरी हिस्से यानी गिलगित बाल्टिस्तान की हैं। पाकिस्तान की जबरिया हुकूमत और फौजी जुल्मों के खिलाफ गिलगित के लोग रोजाना यूं ही सड़कों पर निकलते हैं, नारे लगाते हैं और टायर जलाते हैं। कुदरती नेमत से भरपूर इस इलाके को पाकिस्तान ने अपने जैसा भिखारी बना डाला है। बदकिस्मती ये है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम LOC को इन्होंने लॉक किया हुआ है। ये कोई 92 नहीं है, 98 नहीं है, ये 2023 है। देखें यहाँ मुतालबा वहाँ किया जाता है जहाँ पे सिविलाइज हो, जहाँ हर चीज़ हो, यहाँ कोई ऐसी वो नहीं है, यहाँ अंधेर नगरी है। यहाँ वज़ीर आज़म रात को सोते हैं, सुबह वो जेल में होते हैं, बंदा जेल में रात को होते हैं, सुबह वो सदारत की कुर्सी पे आता है, तो यहाँ तो कोई हाल नहीं है, तो किससे मुतालबा करें? हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी ये लकीरें ख़त्म हो जाएगी और हम आपस में मिलेंगे। पाकिस्तानी फौज POK से कैसी बेशर्म कमाई कर रही है, इसका सबूत है ये लड़की। फौज की शह पर POK की लड़कियां अगवा करके पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में बेची जा रही हैं। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ Google Play Store या App Store पर।